हाँ जी दोस्तों, मैं हाँ स्माइल मित्तल। अज आपने करना है हेड क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सब तो पहले देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबनों जिंदा रहने लिए की फूड चाहिए होंगे, मतलब है ना भोजन चाहिए होंगे गा, तो जिस नाल की है वो अपनी जी लाइफ आ वो जी सके, अपनी लाइफ प्रोसेसिज वो सारे कर सके। ठीक है, ते जेड़े प्लांट्स होंगे ने वो अपना भोजन जो फूड है वो खुद बना लेंगे ने, ते जेड़े एनिमल्स ने वो आपका जेड़ा फूड है वो प्लांट्स तो लेंगे ने, वो खुद नहीं बना सकते। ठीक है, कुछ एनिमल्स होंगे ने जेड़ा सीधा प्लांट्स ही खा लेंगे ने, है ना, बट जेड़े कुछ एनिमल्स होंगे ने वो प्लांट्स नहीं खा सकते, वो प्लांट्स तो अगे जो प्रोडक्ट्स बनते ने वो खाते ने, जिमें काऊ आ वो सीधा प्लांट्स खा सकती है ना घा वगैरह, बट जेड़े आपां गे है ना ह्यूमन बीइंग्स आ ये सीधा घा वगैरह नहीं खा सकते, उस तो जो मतलब जो कणक आ या कुछ भी मतलब प्लांट्स तो अगर जो प्रोडक्ट्स बन के तैयार होंगे ने आपां वो प्रोडक्ट्स लै सकते हैं। तो जिहड़ा पहला अर्ली ह्यूमन सी, मतलब जो आदि मानव सी, उसने वो की करता सीगा जंगलों में शिकार करता, तो वो की है खाना खाता, शिकार करता या इधर उधर जंगलों चो इकट्ठा करता था जो भोजन आ, जा कोई मतलब रॉ फ्रूट्स मतलब कि गले सड़े जो फ्रूट्स वगैरह होंगे वो खा के गुजारा करता, तो हौली हौली उसने सीखा कि जो क्रोप है कल्टी मतलब जो लैंड है कल्टीवेट की जा सकती है, मतलब जो जमीन आ उसते अपना पैदावार कर सकते हैं, जिस नाल कि मतलब उन्हें सीखा फिर ठीक है पैदावार करनी, जिस नाल अपने जो दुनिया है इस दे विच फिर फूड की जड़ी मात्रा गी वो वधन लगी, फूड की मात्रा वधन लगी तो मतलब जड़ी हुण पॉपुलेशन सी अपने दुनिया की ठीक है आबादी सी उसनू एक वधिया मात्रा जड़ा वो भोजन आ हुण मिलन लग गया। ठीक है, फिर मतलब की होया जिमें जिमें उस सिखदा गया तो जड़ी कल्टी मतलब यह अपना पैदावार सी करनी है ना, पैदावार करने के प्रोसैस में एग्रीकल्चर कहा जान लग गया, मतलब यह जो बीजा बिजाई का लगा लो है ना क्रोप उगाने के प्रोसैस में की कहा जान लग गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ठीक है, तो एग्रीकल्चर की होंगे गा आप एग्रीकल्चर देखते हैं, सब तो पहला एग्रीकल्चर जड़ा शब्द है यह बनया एक भाषा की लैटिन, ठीक है आप ज़्यादातर जड़ी साइंस आ वो लैटिन लैंग्वेज ही आ, मतलब ज़्यादातर अक्षर लैटिन लैंग्वेज दी ने साइंस दे विच जड़े यूज होंगे ने, तो एग्रीकल्चर बनया एक लैटिन दे शब्द तो जी, जड़ा लैटिन दे शब्द सी वो सी एग्री कल्चरा, ठीक है एग्रीकल्चरा शब्द सी उस तो बने एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर शब्द का मतलब क्या होंगे, एग्री का मतलब होंगे गा फील्ड मतलब खेत, एग्री का मतलब होंगे गा फील्ड, ते कल्चर का मतलब होंगे गा कल्चरा का मतलब होंगे वो भाषा च कल्टीवेशन मतलब बिजाई करनी उगाना, मतलब खेतों च बिजाई करन की कहा जाता गा लैटिन लैंग्वेज एग्रीकल्चर आते, उस तो शब्द बन गया एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मतलब यह जो चैप्टर है सब किसते आ एग्रीकल्चर ते, मतलब जो फसलों ने उसनों उगाने ते। ठीक है, ये जो चैप्टर अपना हैगा गा चैप्टर नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये मैं सानू बेसिक दसता एक बार भी कि क्रॉप प्रोडक्शन की होंगी है, सॉरी मतलब एग्रीकल्चर की होंगे, ठीक है कि यह लैंग्वेज तो बनया एग्रीकल्चर लैटिन लैंग्वेज तो बनया, जी लैटिन लैंग्वेज वर्ड से एग्रीकल्चर आ जिसका मतलब सी खेतों कुछ उगा बिजाई करनी, ठीक है ता उस तो बन गया वर्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगे टॉपिक्स क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स की होंगे देखो दुनिया की जो पेट भरने वास्ते जो प्लांट्स ने जो फसलां ने उन्होंने एक वड्डे तदार ते की है उगाया जाता, ठीक है एक वड्डे बहुत स्केल ते लगा लो उन्होंने उगाया जाता है क्रॉप्स नू, सॉरी मतलब प्लांट्स नू। ठीक है, तो उस वड्डी तदार ते एक मतलब लार्ज स्केल ते किसी भी प्लांट नू ग्रो करना उन्होंने कहते हैं क्रॉप्स, जिन्हों आप पंजाबी कह देने फसलां। ठीक है, मतलब एक काफ़ी वड्डी जमीन ते किसी
प्लांट्स नू उगाउण दी जो किरिया है, जो मतलब उन्हों कहा जाता हो कि कहते हैं क्रॉप्स, ठीक है। तो जड़े क्रॉप्स ने जिमें ला लो कणक, काफ़ी आप ज़्यादा जमीन पर जड़ी है कणक उगाने ताकि अपने जो आबादी है उसका पेट भर सके है ना। चावल आप उगाने तो मतलब यह फसलों की कहने आप क्रॉप्स। जे मैं ये एक डेफिनेशन लिखा तो आप लिखेंगे डेफिनेशन च, वन प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, वन प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप आर ग्रोन इन एन एरिया इन एन एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ नोन एज क्रॉप्स, ठीक है। मतलब किसी भी अगर प्लांट्स नू लार्ज स्केल पर उगाइए, मतलब सेम टाइप के प्लांट्स नू कणक बहुत लार्ज स्केल पर उगाइए तो उन्होंने की कहने आप क्रॉप्स यानी कि फसलां, ठीक है। अगे है अपना टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स दियाँ फसलों किस्म। तो फसलों दी बेसिकली दो किस्म होंदिया ने, खरीफ क्रॉप्स ते रबी क्रॉप्स। हुण खरीफ क्रॉप्स की होंदिया ने, खरीफ क्रॉप्स वह क्रॉप्स होंदिया ने जिहड़ियां मतलब गर्मियां च उगाइया जांदियां ने, रेनी जे सीजन च उगाइया जांदियां ने, वह क्रॉप्स नूं कहिंदे ने खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। जिवें गर्मियां च उगाए जिवें चावल जिहड़े राइस ने वह आपां गर्मियां च उगाउंदे आ ते सर्दियां च उहनां नूं कट लैंदे आ, ठीक है। तो मतलब जिहड़े राइस ने वह खरीफ क्रॉप्स च आ जांदे ने, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, बाजरा, पेयरल मिल्ट जिन्होंने आप कह दें, ठीक है, मेज़, मक्की, सोयाबीन, मतलब ये वह क्रॉप्स ने जो गर्मी के सीजन च उगाई जाते हैं, उन्होंने क्रॉप्स में कहने खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कहते हैं जड़िया सर्दी के मौसम च उगाई जाती ने, ठीक है। सर्दी के मौसम च आप उन्होंने उगाने तो अपना जो मार्च अप्रैल दे सीजन जिस आके आप कट लाने हारवैसट कर लें। रबी क्रॉप्स जिम्मे कणक सब तो मेन एग्जाम्पल आप कणक ही लेना है ना, सर्दियों से उन्होंने उगाने तो आप मार्च अप्रैल विसाखी वेले उन्होंने कट लें कणक न, सब तो मेन एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स के कणक, होर पी मतलब मटर, ग्राम, चने, यह चीज़ा जड़िया ने आप की आप सर्दियों से उगाने रबी क्रॉप्स न। तो ये अपन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। मैं एक बार लिख देना खरीफ क्रॉप्स आप समर सीजन उगाने, ठीक है, तो जे रबी क्रॉप्स ने उन्होंने विंटर सीजन उगाने, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप की मेन एग्जाम्पल है राइस, चावल, तो रबी क्रॉप की मेन एग्जाम्पल है वीट, कनक, ठीक है। ये अपने क्रॉप्स के टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इतने तक सी अपनी फर्स्ट वीडियो, तो सैकेंड वीडियो अगर आप करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।